नमस्कार, मैं हूं प्रणय और स्वागत है आपका द फंटूश के एक नए एपिसोड में। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ मंगलवार को अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी। देश की सर्वोच्च अदालत ने प्रशांत भूषण के साथ साथ ट्विटर इंडिया के खिलाफ भी यही एक्शन लिया। न्यायपालिका के अपमान पर एक्शन। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्शन उनके न्यायपालिका पर किए गए कथित अपमानजनक ट्वीट्स के मद्देनजर किया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस बीआर गवई ने बुधवार को प्रशांत भूषण और ट्विटर इंडिया के खिलाफ अदालत की अवमानना की सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड्स के मुताबिक मंगलवार शाम 3:48 पर प्रशांत भूषण और ट्विटर इंडिया के खिलाफ स्वतः संज्ञान से SMC CRL 1/2020 नंबर का केस दर्ज किया। प्रशांत भूषण न्यायपालिका पर लगातार हमला कर रहे हैं। वो COVID-19 महामारी में प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा से जुड़े याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं और उनकी तीखी आलोचना करते रहे हैं। 27 जून को एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि जब भविष्य में इतिहासकार यह देखने के लिए पिछले 6 सालों पर नजर डालेंगे कि कैसे आपातकाल की औपचारिक घोषणा के बिना भारत में लोकतंत्र को कुचल दिया गया है, तो इस बर्बादी में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका का विशेष जिक्र करेंगे, साथ ही पिछले 4 न्यायाधीशों की भूमिका का भी। उन्होंने भीमा कोरेगांव घटना के संबंध में जेल में बंद अपराधियों वरवरा राव और सुधा भारद्वाज के इलाज को लेकर भी कड़े बयान दिए। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रशांत भूषण के किन ट्वीट्स को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना के दायरे में रखा है। रिकॉर्ड्स में यह जानकारी भी नहीं दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की है। देश और दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज अपडेट्स ऐसे ही रेगुलरली पाते रहने के लिए हमारे चैनल द फंटूश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।